नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल गीता क्वेस्ट पर और नववर्ष की आपको बहुत हार्दिक बधाइयाँ। आज हम डिस्कस करेंगे कि कैसे न्यू ईयर रेजोल्यूशंस रखें, वो ज़रूरी क्यों हैं, क्यों हम उन्हें फ़ेल कर जाते हैं फॉलो करने से, और कैसे न्यू ईयर रेजोल्यूशंस हम चूज़ कर सकते हैं। मैं हूं शिवम गीता क्वेस्ट। वी आर हियर टू हेल्प यू डिस्कवर योर बेस्ट फ्रेंड, ट्रू गाइड एंड योर मोस्ट वैल्यूएबल एसेट द भगवद गीता। आज हम डिस्कस कर रहे हैं कि न्यू ईयर रेजोल्यूशंस रखने क्यों इतने इंपॉर्टेंट हैं और भगवद गीता क्या बोलती है रेजोल्यूशंस को लेकर। भगवद गीता के अनुसार किसी भी योगी के जीवन में ये बहुत महत्वपूर्ण है, वो अपने आध्यात्मिक पथ पर आगे बढ़ने के लिए व्रत का पालन करें। अगर हम देखें हमारे ट्रेडिशंस को, हमारे फेस्टिवल्स को, तो अलग अलग फेस्टिवल्स के बहाने अलग अलग व्रत का पालन किया जाता था। आप सब लोग बहुत परिचित होंगे जन्माष्टमी के फास्ट को लेकर, महाशिवरात्रि पर फास्ट करते हैं हम फास्ट करते हैं चतुर्मास में हम फास्ट करते हैं एकादशी पर, तो फास्ट से हमारे पूरा कैलेंडर भरा हुआ है। और देखने का महत्व ये है, फास्ट जो व्रत रखते थे हम, वो सिर्फ हम ग्रेन से नहीं रखते, फास्ट में और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनमें इनहेरेंट होता है हम अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को आगे बढ़ाएं। तो व्रत एक तरीका होता था अपनी डेडिकेशन और अपनी कमिटमेंट बढ़ाने के लिए अपने स्पिरिचुअल पाथ पर। तो इसीलिए हम देखते हैं कि ये एक वेस्टर्न कॉन्सेप्ट नहीं है। ऑल्दो न्यू ईयर हम सेलिब्रेट कर रहे हैं और ये वेस्टर्न कैलेंडर के अकॉर्डिंग है, पर जो भी है, कोई भी बहाना मिले हमें अपने लाइफ में, स्पिरिचुअल लाइफ में और डेप्थ में जाने के लिए, अपने लाइफ में और फोकस रहने के लिए, हमें डेफिनेटली उसका यूज़ करना चाहिए। तो भगवद गीता कहाँ पर इम्पोर्टेंस दे रहे हैं व्रत के पालन को। सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़वता नमस्यन्तश्च माम भक्ता नित्य युक्ता उपासते। तो भगवद गीता में ये श्लोक बहुत एक प्रमुख श्लोक के रूप से जाना जाता है और इसमें ये मेंशनड है दृढ़व्रता, कि जो योगी होते हैं वो बहुत दृढ़ व्रतों का पालन करते हैं। और जितने भी हमें अपने सेंट्स के बारे में पता है, जितने साधुओं के बारे में होता है, वो जाने जाते हैं अपने लाइफ में अपने डेडिकेटेड वाउस को लेकर, अपने रेजोल्यूशंस को लेकर। तो रेजोल्यूशंस हमारे लाइफ में क्या ऐड करते हैं, वो हमारे लाइफ में एक फोकस ऐड करते हैं, क्योंकि लाइफ बहुत मोनोटोनस हो जाती है और हमारे रूटीन्स होते हैं, हमारा डेली शेड्यूल होता है, हमारे वर्क लाइफ है या स्टूडेंट लाइफ है, इट टेंड्स टू बी मोनोटोनस। तो इन फेस्टिवल्स और इन व्रतों के माध्यम से हम अपने लाइफ में एक चेंज भी ला सकते हैं, एक बहुत हैप्पी पॉजिटिव चेंज, ऊपर से हम अपने आप को रीअलाइन कर सकते हैं। क्यों रीअलाइन करना ज़रूरी होता है, क्योंकि अपने लाइफ के में हम जैसे आगे बढ़ रहे हैं तो बहुत सारी चांसेस होती हैं कि हम बड़े बड़े गोल्स को भूल जाएं, अपने लाइफ की मेन डायरेक्शन को भूलकर हम डिटेल्स में लॉस्ट हो जाएं। इसीलिए रेजोल्यूशन जब हम अपने लाइफ में रखते हैं तो हमें रीअलाइनमेंट का मौका मिलता है, हमें फोकस का मौका मिलता है, हमें माइलस्टोन सेट करने का मौका मिलता है। और इन सब चीज़ों की वजह से हम रेजोल्यूशन रखें तो बहुत हेल्पफुल रहता है। इनफैक्ट हमें पता है कि 10 करोड़ से भी ज़्यादा लोग न्यू ईयर रेजोल्यूशन रखते हैं सिर्फ अमेरिका में ही, लेकिन उनमें से 2 करोड़ लोग अपने रेजोल्यूशंस तोड़ भी देते हैं कुछ महीनों के अंदर ही। तो ऐसा क्या रीज़न है कि रेजोल्यूशंस टूट जाते हैं हमारे, और वेरी ऑफन 1 महीने के अंदर अंदर ही। सबसे ज़्यादा कि रजिस्ट्रेशंस, एडमिशंस किसी भी जिम में, किसी भी कोचिंग सेंटर में जनवरी के मंथ में होते हैं, और उनमें से कई सारे रजिस्ट्रेशंस, एडमिशंस सब कैंसिल हो जाते हैं और रिन्यूअल भी नहीं होता है उनका। कई लोग पैसे देते थे जिम में ये सोच के, पैसे दे दिए तो हम फोर्सफुली जाएंगे, पर फिर जा भी नहीं पाते। तो ऐसा क्या रीज़न होता है हम रेजोल्यूशन मेंटेन नहीं कर पाते अपना। हम देखते हैं भगवद गीता डिटर्मिनेशन इन 3 मोड्स की बात कर रहे हैं। तो भगवद गीता दिखा रहा है जो रेजोल्यूशन है उसको संस्कृत भाषा में हम समझे उसका मतलब होता है धृति। धृति का मतलब होता है जो चीज़ हमें सस्टेन करती है हम जो चाह रहे हैं उसको करने के लिए। रेजोल्यूशन भी सिनोनिमस मतलब है। गीता में दिखा रहा है कि रेजोल्यूशन तो हमारे पास रहता है, अब वो किस प्रकार से रहता है वो अभी हम देखते हैं। तो भगवद गीता में 18वें चैप्टर में इसके बारे में डिस्कस किया गया है। 3 मोड्स में डिटर्मिनेशन होता है। तो डिटर्मिनेशन जो कि
तमोगुण में होता है, जो कि लोएस्ट प्रकार का डिटर्मिनेशन है, वो है ये स्वप्नम भयम शोकम विषादम मदम एव च ना विमुंचति दुर्मेधा धृति सा पार्थ तामसी। तो ऐसा डिटर्मिनेशन भी होता है कि व्यक्ति अपने लाइफ से नेगेटिविटी ना हटा पाए, अपने लाइफ में वो आलस ना हटा पाए, सोना ना हटा पाए। तो डिटर्मिनेशन रहता है, वो किस चीज़ के लिए रहता है ये डिपेंड करेगा। तो जो डिटर्मिनेशन होता है तमोगुण में, वो हमारे तमोगुण को ही बढ़ाएगा। डिटर्मिनेशन रजोगुण में कैसा होता है, वो है यया तु धर्म कामार्थान धृत्याधार्यते अर्जुन पसंगेन फलाकांक्षी धृति सा पार्थ राजसी। तो यहाँ पर भगवद गीता बता रही है कि वो डिटर्मिनेशन जो कि फल हमें प्रदान करता है अपनी कामनाओं का, और जिससे इच्छाओं की पूर्ति होती है, बेसिकली रजोगुण, जिससे हमें भोग करने को मिलता है, एंजॉय करने को मिलता है। तो ये डिटर्मिनेशन होता है रजोगुण में। लेकिन इस डिटर्मिनेशन की क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है, हम कोई रेजोल्यूशन लेंगे अपने लाइफ में कुछ पाने के लिए, कुछ अचीव करने के लिए, तो वो बहुत लॉन्ग टर्म गोल में सहायता हो सकता है ना दे रहा हो, और क्योंकि ये रजोगुण से इंस्पायर्ड रहता है तो ये शुरुआत बहुत अच्छे से हो सकती है इस डिटर्मिनेशन की, इस रेजोल्यूशन की, पर इसका फिर बहुत जल्दी लॉस भी हो जाता है। तो जब लॉस हो जाता है फिर हमारे अंदर वो फीलिंग नहीं रहती कि इसको परस्यू कर पाए हम इस डिटर्मिनेशन को। जो फर्स्ट क्लास डिटर्मिनेशन होता है वो होता है सत्वगुण में। सत्वगुण के डिटर्मिनेशन के बारे में भगवद्गीता क्या बोल रही है, धृत्याया धार्यते मना प्राणेन्द्रिय क्रिया योगेना व्यभिचारिण्या धृति सा पार्थ सात्विकी। तो जो सत्वगुण में डिटर्मिनेशन होता है उसमें क्या होता है, हम योग के माध्यम से, हम आध्यात्मिक गोल्स के माध्यम से अपने आप को रिकनेक्ट करते हैं ऐसी स्पिरिचुअल रियलिटी से, जिससे हमें अनब्रेकेबल रिजोल्यूशन मिल जाता है, अनब्रेकेबल डिटर्मिनेशन, स्टेडीनेस मिल जाती है। तो हमारी लाइफ में हम कैसे डिटर्मिनेशन और रेजोल्यूशंस बना सकते हैं, हम सत्वगुण में रह के बना सकते हैं। तो लोग अपना रेजोल्यूशंस ब्रेक क्यों कर देते हैं, जैसे हमने देखा कि डिटर्मिनेशन तीन मोड्स में होता है भगवद्गीता के अनुसार, तो उसी तरीके से जो लोग बहुत रजोगुण में डिटर्मिनेशन रखते हैं तो उनके लिए बहुत लंबे टाइम के रेजोल्यूशंस लेना उतना प्रैक्टिकल है ही नहीं, और जो तमोगुण में रेजोल्यूशंस लेते हैं वो तो राइट अवे बहुत अनकन्विंस्ड रहते हैं रेजोल्यूशन को फॉलो करने के लिए भी, और जो लोग फॉलो कर पाते हैं वो काफ़ी सत्वगुण में सिचुएटेड रहते होंगे। तो ये है असली कारण रेजोल्यूशंस ब्रेक क्यों होते हैं। तो हम कैसे रेजोल्यूशंस रख सकते हैं जो ब्रेक ना हो, सबसे पहले हम अपने आप को सत्वगुण में थोड़ा स्थित करने का प्रयास कर सकते हैं, और दूसरा हम क्या कर सकते हैं, हम अपने आप से जो रेलेवेंट गोल्स हैं, जो हम फॉलो कर सकते हैं जिनको, उनको हम अपने लिए गोल्स रख सकते हैं रैदर देन ये सोचने के लिए कि बाकी लोग क्या कर रहे हैं। तो क्वाइट ऑफन हम जब रेजोल्यूशंस लेते हैं तो हम ट्रेंड्स देख रहे होते हैं, क्या ट्रेंड्स चल रहे हैं, लोग कैसे रेजोल्यूशंस ले रहे हैं, कैसे रेजोल्यूशंस लेने चाहिए, और क्वाइट ऑफन वी आर नॉट वेरी क्लियर कि हमें क्या करना चाहिए। तो हम जब रेजोल्यूशंस ले ही रहे होते हैं तब भी हमारे मन में ये क्लियर होता है, मैं इतना इंस्पायर्ड फील नहीं कर रहा, पर ठीक है कुछ तो लेना चाहिए। तो इस फीलिंग से जब हम रेजोल्यूशंस लेते हैं तो एक्चुअली वो हम रिलेट ही नहीं कर रहे हैं उन रेजोल्यूशंस से, तो ये तो ऑब्वियस है कि वो ब्रेक हो जाते हैं। कई लोग तो एक दिन भी रेजोल्यूशंस अपने फॉलो नहीं कर पाते। अब हम डिस्कस करेंगे कि हमें कैसे रेजोल्यूशंस लेने चाहिए, कुछ एग्जाम्पल्स जैसे रेजोल्यूशंस हम रख सकते हैं। सबसे पहले मैं आप सबको सजेस्ट करूँगा कि एक रेजोल्यूशन अपने लाइफ में ज़रूर लीजिए, वो है स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस को अपनाने का, और अगर आप अपना चुके हैं ऑलरेडी तो उनको बढ़ाने का। ऐसा क्यों, क्योंकि लाइफ में चैलेंजेस, हैप्पीनेस, डिस्ट्रेस सब चीज़ें आएंगी, ये सारे फ्लेवर्स आएंगे, लेकिन इनसे प्रॉपरली डील करने के लिए, इन अ वे कि हम खुद एनरिच्ड फील करें लाइफ के एक्सपीरियंसेस से, हमें बहुत ज़रूरी है हम अपनी आइडेंटिटी बहुत क्लियर रखें, और आइडेंटिटी क्लियर करने के लिए हमें एक फिलोसफिकल फ्रेमवर्क बहुत ज़रूरी है, जो कि भगवद्गीता बहुत अच्छे रूप से प्रदान करता है। तो हम भगवद्गीता की स्टडी को एक फिक्स टाइम डिवोट कर सकते हैं इस पूरे साल, चाहे वो एक पेज पढ़ना हो भगवद्गीता का, बट टेक सम कमिटमेंट एवरी डे फॉलो इट, और आप मेडिटेशन के लिए ज़रूर कमिटमेंट लीजिए। इसके अलावा
आप अपने तीनों फैकल्टीज के लिए कुछ रिजोल्यूशंस ले सकते हैं। सबसे पहले भगवद गीता बताती हैं कि भूमिरापोन लोवायु खम्मनो बुद्धिरे विचा अहंकार इति यम्मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। कि हमारे शरीर में देखा जाए तो एक ग्रॉस बॉडी है, मतलब हमारा शरीर सेंसेस वाला, और एक हमारा सूक्ष्म शरीर है जो मन बुद्धि अहंकार। तो ग्रॉस बॉडी के लिए हम कुछ केयर करने के लिए रेजोल्यूशंस ले सकते हैं, अपने आप को फिट रखने के लिए, हेल्दी रखने के लिए हम प्राणायाम प्रैक्टिसेस रख सकते हैं, हम अष्टांग योगा के कुछ आसन प्रैक्टिसेस रख सकते हैं, और हम कोई भी स्पोर्ट्स का प्रैक्टिस रख सकते हैं अपने लाइफ में जिससे हम फिजिकली फिट रहें। सेकेंड, हम प्रैक्टिसेस रख सकते हैं, ऐसे रेजोल्यूशंस ले सकते हैं जो हमें मन के लेवल पर स्टडी बनाएं, ऐसे रिक्रिएशन को अपनाएं इस साल जो हमें पॉजिटिव रखें, ऐसे रिक्रिएशन छोड़ने का प्रयास करें, ऐसे हैबिट्स छोड़ने का प्रयास करें इस साल जिन्होंने हमें सेटिस्फाई नहीं किया, जिन्होंने हमें हिंडर किया अपने अचीवमेंट्स में, अपने लाइफ में, जो कि हमारा टाइम लेके गए और हमें रिटर्न्स के बजाय हमारी इन्वेस्टमेंट ले लिया, हमारा टाइम ले लिया, हमारा कॉन्शियसनेस ले लिया। ऐसे बैड हैबिट्स से बचें। थर्ड थिंग, हम स्पिरिचुअल लेवल पर जैसे मैंने पहले ही चर्चा किया था, गीता को रीडिंग करना रेगुलरली और मेडिटेशनल प्रैक्टिसेस लेना। तो ये कुछ मेरे साइड से आपके लिए बहुत रिकमेंडेड रेजोल्यूशंस हैं जो आप ले सकते हैं, और कुछ कैटेगरीज जिनमें लेना चाहिए हमें। मेरी तरफ से बस यही, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर रेजोल्यूशंस एंड अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर अगेन। हम मिलते हैं हमारे गीता कोर्स पर, और इस न्यू ईयर पर आप प्लीज़ इन्वाइटेड हैं हमारे गीता कोर्स पर। तो आप उसका लिंक देखेंगे हमारे डिस्क्रिप्शन में, आप आइए हमारे गीता कोर्स को ज्वाइन कीजिए, हम साथ में गीता पढ़ेंगे इस पूरे साल और हर साल और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।